नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक सर्विस कमिशन तो जो यूपीएससी है और वेरियस स्टेटिक सर्विस कमिशन है ना उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रोविजन ऑफ यास्टैब्लिश दस्टेज दब्लिक सर्विस कमीशन राइट तो आर्टिकल थ्री फिफ्टीन क्या कहता है आर्टिकल थ्री फिफ्टीन कहता है क्लॉज वन Subject to the the provisions of this article, there shall be a public service commission for the union and a public public service service commission commission for union and for each state. तो ये आर्टिकल का क्लॉज वन क्लियरली कहेगा कि यूनियन की सर्विसेज के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और स्टेट्स की सर्विसेज के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है अच्छा क्लॉज टू क्या कहेगा क्लॉज टू बोलता है कि इफ टू और मोर स्टेट डिसाइड टू हैव अ कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर देयर स्टेट सर्विसेज अगर दो या तीन स्टेट्स दो या मोर देन टू स्टेट्स डिसाइड करती हैं कि हमें एक ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए तो उन दोनों के जो लेजिस्लेचर है ना दे शैल पास अ रेजोल्यूशन इन दैट इफेक्ट टू दैट इफेक्ट ठीक है

क्लॉज थ्री क्या कहता है वो देख लेते हैं एनी सच लॉ एज अफोर्स मे कंटेन सच इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन एज मे बी नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर गिविंग इफेक्ट टू द पर्पज ऑफ लॉ राइट नाउ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन यानी कि यूपीएससी इफ रिक्वेस्टेड टू डू सो बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट मे विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट अग्री टू सर्व ऑल और एनी ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टेट अगर एक स्टेट है लेट सपोज पंजाब है पंजाब के गवर्नर चाहते हैं कि यूपीएससी उनके स्टेट में आके रिक्रूटमेंट करे फॉर स्टेट सर्विसेज तो गवर्नर रिक्वेस्ट करेगा यूपीएससी को और प्रेसिडेंट अप्रूवल देगा यूपीएससी को कि वो पंजाब के लिए वो काम करे सो so अगर किसी स्टेट को लगता है कि उसे यूपीएससी की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वेस्ट करेगा और प्रेजिडेंट के अप्रूवल के साथ यूपीएससी स्टेट के लिए काम करेगा राइट

तो उसके मेंबर्स और चेयरमैन अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके और चेयरमैन अपॉइंट करेगा गवर्नर क्लियर बस एक प्रोविजो डाला है इसमें प्रोवाइडेड मतलब कि ये सब कुछ करेगा प्रेसिडेंट के हाथ में होगा यूपीएससी के मेंबर्स कैसे होंगे बस प्रेसिडेंट को एक चीज ध्यान में रखनी है कि हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ एवरी पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी पर्सन हु एट द डेट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट टेन ईयर आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन चाहे यूनियन का हो चाहे स्टेट का हो चाहे ज्वाइंट हो उसके जो आधे मेंबर्स होंगे ना वो वो होने चाहिए जिनका कम से कम दस साल का एक्सपीरियंस है जिनकी 10 साल की सर्विस है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट यानी कि आई एस आई पी साल और मोर देन टेन ईयर तक अगर वो इन्होंने ये पब्लिक सर्विस सर्वेंट रहे हैं वो ही मेंबर बन सकते में राइट नाउ क्लॉज वन ए क्या है क्लॉज वन ए आपका बताता है कि अगर चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट हो जाता है मे बी बिकॉज ऑफ हिज एबसेंस या वो बीमार है या वो एबसेंट है उनका ऑफिस अगर वेकेंट हो जाता है या yeah, वो रिजाइन कर देते हैं ठीक है तो जब तक नया चेयरमैन चेयरमैन चूज नहीं होता तब तक प्रेसिडेंट बोल सकता है किसी भी दूसरे मेंबर को कि वो चेयरमैन एक्ट करे राइट तो लेट्स सपोज यूपीएससी का चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट हो गया मे बी बिकॉज ऑफ हिज मे बी वो बीमार है या रिजाइन कर दिया तो जब तक आप नया चेयरमैन चूज नहीं करते प्रेसिडेंट किसी भी एक मेंबर को बोल देगा कि आप चेयरमैन एक्ट करो और स्टेट सर्विस कमीशन के लिए गवर्नर यह काम करेगा ज्वाइंट हाँ, कमीशन के लिए प्रेसिडेंट ही करेगा तो या के लिए बनाएगा किसी रैंडम इंसान को चेयरमैन और स्टेट पब्लिक सर्विस क्लॉज टू पे अच्छा इसमें टर्म बताया हुआ है टर्म क्लॉज टू में क्या बताया हुआ है आर्टिकल 316 हंड्रेड सिक्सटीन टू कहता है कि जो मेंबर होगा ना पब्लिक सर्विस कमीशन का उसका ऑफिस होगा छह साल का उसका टर्म होगा सिक्स इन का सिक्सटी फाइव ईयर्स का वो एज हो जाए उसकी यानी कि अगर कोई यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन है तो हिस्स टर्म ऑफ ऑफिस इज सिक्स ईयर्स और टिल द एज ऑफ 65 फाइव ईयर विच एवर इज अर्लियर अगर तो वो छोटी है उनकी 65 फाइव एज नहीं होती तो वो फुल सिक्स ईयरस टर्म संभालेंगे बट अगर वो छह साल के टर्म खत्म होने से पहले 65 फाइव ईयर्स के हो जाते हैं तो उनका टर्म खत्म हो जाएगा अच्छा स्टेट कमीशन और ज्वाइंट कमीशन के लिए क्या है टर्म सिक्स ईयर ही है और एज ऑफ सिक्सटी टू ईयर्स है यानी कि छह साल का टर्म या सिक्स टू ईयर्स तक उनकी जो एज है तब तक वो टर्म संभाल सकते हैं एज अ मेंबर में ज्वाइंट कमीशन विच एवर इज अर्लियर राइट तो छह साल का टर्म होगा यूपीएससी के मेंबर के लिए छह साल का टर्म या सिक्सटी फाइव ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर और स्टेट कमीशन या ज्वाइंट कमीशन के लिए सिक्स ईयर्स का टर्म और एंड और सिक्सटी टू की एज विच एवर इज ऑलियर राइट प्रोवाइडेड दैट द पब्लिक सर्विस कमिशन मे बाय राइटिंग अंडर इन द केस ऑफ यूनियन कमीशन कमीशन टू प्रेसिडेंट एंड केस ऑफ स्टेट कमीशन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट रिजाइन इज ऑफिस तो कोई भी मेंबर या चेयरमैन रिजाइन कर सकता है अपना ऑफिस अगर वो यूनियन या ज्वाइंट कमीशन का मेंबर है तो रेजिग्नेशन जाना चाहिए प्रेसिडेंट को अगर स्टेट कमीशन का है तो गवर्नर को राइट क्लॉज बी क्या कहता है

अगर कोई पूरा अपना टर्म खत्म कर देता है एज अ ऑफ यूपीएससी और स्टेट पीएससी कोई भी तो ही इज इन एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट टू दैट पोस्ट मतलब अगर मैं चेयरमैन हूं यूपीएससी का तो अगर जब मेरा टर्म खत्म हो जाएगा तो मैं दोबारा से चेयरमैन नहीं इलेक्ट कर सकता अपने आप को अपॉइंट कर सकता और राइट चलिए अब आर्टिकल थ्री पे आ जाते हैं विच डील्स विद रिमूवल एंड सस्पेंशन नाउ क्लॉज वन कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज थ्री द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल ओनली बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाई द ऑर्डर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर ठीक है अब इसमें ना एक चीज इम्पोर्टेंट है कोई भी इंसान है चाहे वो मेंबर है या चेयरमैन है चाहे वो मेंबर या चेयरमैन यूपीएससी का है या वो मेंबर या चेयरमैन स्टेट पीएससी का है उसको निकालने की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट में है। जनरली हम कंफ्यूज कर लेते हैं कि यूपीएससी के मेंबर को तो रिमूव प्रेसिडेंट कर सकता है बट स्टेट पीएससी के मेंबर को रिमूव गवर्नर करेगा नहीं स्टेट पीएससी के मेंबर या चेयरमैन को भी रिमूव गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ही करेगा गवर्नर नहीं करेगा एंड प्रेजिडेंट शैल रिमूव रिमूव हिम और ग्राउंड ऑफ मिस बिहेवियर बट प्रेजिडेंट मिस बिहेवियर के ग्राउंड पर तभी रिमूव कर सकता है अगर प्रेसिडेंट ने ना सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिश डाली हो और बोला हो कि आप इंक्वायरी करो इस इंसान के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद ये पाता है है कि हां दिस पर्सन इज गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर तो तो प्रेसिडेंट उसे निकालेगा क्लॉज कहता कि अगर प्रेसिडेंट को किसी इंसान को चेयरमैन या मेंबर को निकालना है तो वो सुप्रीम कोर्ट में डालेगा मैटर सुप्रीम कोर्ट अपनी इंक्वायरी के बाद अगर कहती है कि हां दिस पर्सन इज गिल्टी तो वो बंदे को निकाल देगा प्रेजिडेंट राइट नाउ टू द joint इन द केस ऑफ यूनियन the और गवर्नर इन द केस ऑफ स्टेट office the सस्पेंड फ्रॉम ऑफिस द चेयरमैन और एनी अदर in respect इन रिस्पेक्ट ऑफ reference रेफरेंस been मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज वन क्लियर इसका मतलब पता क्या है इसका मतलब यह है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट में किसी चेयरमैन या मेंबर के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है ठीक है अगर तो वो यूपीएससी का मेंबर है तो प्रेसिडेंट उसको सस्पेंड कर सकता है कि जब तक तेरी इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तब तक आप अपनी ड्यूटीज नहीं संभाल सकते अगर वो स्टेट पीएससी का है तो गवर्नर बोलेंगे कि आप सस्पेंडेड हो आप अपनी ड्यूटीज नहीं संभाल सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती ठीक है अंडर क्लॉज वन अंटर द प्रेसिडेंट द रिसीट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन सच रेफरेंस हा रिपोर्ट अगर आ जाती है और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि नहीं दिस पर्सन इज नॉट गिल्टी फिर प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करेगा फिर आप कहोगे चलो आप नॉट गिल्टी हो आप वापस अपनी ड्यूटी संभालो राइट right? हमेशा याद रखना यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट कमीशन प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होगा स्टेट पीएससी गवर्नर के होगा बस रिमूवल का हक सिर्फ प्रेसिडेंट को है चलिए क्लॉज थ्री नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज वन द प्रेसिडेंट मे बाई ऑर्डर रिमूव फ्रॉम द ऑफिस चेयरमैन एनी अदर मेंब्लिक सर्विस कमिशन इफ द चेयरमैन और सच मेंबर एज द केस में भी हां प्रेसिडेंट और एक तो मिसबिहेवियर केस में रिमूव कर सकता है और तीन ऐसी कंडीशन है जिनके बेसिस पे प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है वो तीन कंडीशन क्या है अगर कोई इंसान इज एडज एडजस्ड एंड इंसॉल्वेंट मतलब बैंक करप्ट हो जाता है सब क्लास बी क्या कहता है एंगेजेस ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी ऑफिस ऑफिस तो प्रेसिडेंट निकाल सकता है और क्लॉज सी सब क्लॉज सी इज इन दिनियन ऑफ द प्रेजिडेंट टू कंटिन्यू इन बाय रीजन ऑफ इनफर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी अगर मेंटली इल हो जाता है बॉडीली इल हो जाता है तो प्रेजिडेंट रिमूव कर सकता है क्लियर तो प्रूव मिसबिहेवियर के साथ साथ ये तीन कॉजे भी हैं जिनके बेसिस पे प्रेजिडेंट बाय ऑर्डर कैन रिमूव अ चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन वेदर इट स्टेट पीएससी और यूपीएससी एनी वन ठीक है क्लॉस फोर पता क्या कहेगा क्लॉस फोर की लैंग्वेज ये कहती है कि अगर कोई चेयरमैन या मेंबर किसी कंपनी में लगा हुआ है लेट सपोज या ऐसे किसी कंपनी में लगा हुआ है जिसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है जैसे फॉर एग्जांपल कोई चेयरमैन है यूपीएससी uh, का उसका ना उसका उसकी सेटिंग है रिलायंस जियो के साथ या उसकी कुछ पार्टनरशिप है के के तो तो के साथ साथ तो तो गवर्नमेंट का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क वगैरह लगाना होगा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बेनिफिशियरी हो सकता है ये मेंबर तो अगर कोई यूपीएससी का मेंबर ऐसा काम करता है कि गवर्नमेंट का किसी प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी ये मेंबर हो सकता है तो प्रेजिडेंट उसे मिसबिहेवियर कंसिडर करेगा और क्लॉज वन के तहत जो क्लॉज वन हमने करा था ये इसके तहत निकाल देगा right? ये क्लॉज फोर है आपका देन आर्टिकल 318 पे आ जाते हैं पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू द कंडीशन ऑफ सर्विस किसके पास पावर है इन मेंबर्स और चेयरमैन की कंडीशन ऑफ सर्विस बताने का तो इन द केस ऑफ यूनियन कमीशन और ज्वाइंट कमीशन द प्रेजिडेंट एंड इन द केस ऑफ स्टेट कमीशन द गवर्नर ऑफ द स्टेट मे बाय रेगुलेशन

ड एट दंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ए मेंब्लिक सर्विस कमिशन शेल नॉट बी वेर इट टू हिस्स डिस एडवांटेज हम देखते ही है ठीक है सारे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के लिए आर्टिकल थ्री हंड्रेड नाइनटीन क्या है प्रोहिबिशन एस टू होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाई में हाँ अभी से ध्यान से सुनना आर्टिकल थ्री हंड्रेड नाइनटीन का क्लॉज ए कहता है कि कोई जो यूपीएससी का चेयरमैन होगा ना ही शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी इंप्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर फिनिशिंग ऑफ इस टर्म ठीक है जब किसी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी का टर्म खत्म हो जाता है उसके बाद वो किसी भी इंप्लॉयमेंट में नहीं जा सकता अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट ठीक है क्लॉज बी क्या कहता है अगर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है ठीक है तो वो ना किसी भी इंप्लॉयमेंट में नहीं जा सकता अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एक्सेप्ट एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी और चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और चेयरमैन ऑफ एनी अदर स्टेट का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब लेट सपोज कोई चेयरमैन है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का तो उसका जब टर्म खत्म हो जाएगा ना तो उसे को कहीं और अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती अंडर गवर्नमेंट एक्सेप्ट टू तो बी द मेंबर ऑफ या तो यूपीएससी या चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या चेयरमैन ऑफ एनी अदर पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि पंजाब के पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकते हैं वो हिमाचल के पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकते हैं बट वो हरियाणा के दोबारा चेयरमैन नहीं बन सकते क्लियर देन the अदर of द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज UPSC और एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कोई मेंबर है यूपीएससी का उसके टर्म खत्म होने के बाद उसे कहीं भी इंप्लॉयमेंट नहीं मिल सकती अंडर गवर्नमेंट एक्सेप्ट एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी चेयरमैन बना सकते हैं उन्हें उनके टर्म खत्म होने के बाद ऑफ यूपीएससी और उन्हें चेयरमैन बना सकते किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का राइट एंड क्लॉज डी अ मेंबर अदर देन द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी और एज द चेयरमैन ऑफ दैट मतलब उसी स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंबर था वही उसी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है या किसी और स्टेट के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन या मेंबर बन सकता है राइट बट right? और कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती ये चारों एक बारी वीडियो करके ना ये थ्री हंड्रेड के जो चार हैं, दोबारा पढ़ लेना एक बारी। भूल जाते हैं चलिए, बताएगा पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शन फंक्शन बहुत ही ज्यादा सिंपल है एक बारी वीडियो स्टॉप करके सारे फंक्शन एक बारी पढ़ लीजिएगा ठीक है क्लॉज वन है क्लॉज टू है फिर क्लॉज थ्री और क्लॉज थ्री के अंडर सब क्लॉजे विच गो ई क्लियर बस इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जनरली डिसिप्लिनरी मैटर्स हो प्रमोशन के मैटर हो कोई भी मैटर हो सिविल सर्वेंट से रिलेटेड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि विच इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट उसे यूपीएससी को कंसल्ट करना पड़ेगा फॉर दोज मैटर्स और राइट और नेक्स्ट जो चीज है ना इसी में इसमें ये लिखा हुआ है आर्टिकल 320 में कि हर साल यूपीएससी प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट देगा और प्रेसिडेंट को वो रिपोर्ट टेबल करनी है आ, लोकसभा में मतलब पार्लियामेंट में टेबल करनी है और रीजंस बताने पड़ेंगे कि उन्होंने जो रिकमेंडेशंस नहीं मानी यूपीएससी के उसके उसके रीजंस बताने पड़ेंगे और राइट तो एक बार ये जो आर्टिकल 320 है थोड़ा लंबा है तीन स्लाइड्स तक है एक बार ये वीडियो स्टॉप करके स्टॉप कर करके एक बार ही देख लेना जैसे ये हैं क्लॉज वन टू थ्री ये फिर क्लॉज ई तक जाते हैं सब क्लॉजेस फिर क्लॉज फोर फाइव अब हम आ जाते हैं आर्टिकल थ्री पे नाउ टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमिशन 321 बोलता है कि यूपीएससी के जितने भी फंक्शंस बताए हैं ना अभी पिछले आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन ने उससे ज्यादा फंक्शंस भी हो सकते हैं यूपीएससी के प्रोवाइडेड पार्लियामेंट लॉ में बताए तो जितने कॉन्स्टिट्यूशन में फंक्शंस लिखे हुए यूपीएससी के यूपीएससी पे और ज्यादा फंक्शन यूपीएससी को और ज्यादा फंक्शन दिए जा सकते हैं बाय पार्लियामेंट एन एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट और एज द केस में बी द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में प्रोवाइड फॉर द एक्सरसाइज ऑफ अडिशनल फंक्शन बाय द यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एज रिस्पेक्ट द सर्विस ऑफ यूनियन और द स्टेट एंड ऑल्सो एज रिस्पेक्ट द सर्विस ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूटेड बाई लॉर ऑफ एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन मतलब जितने कॉन्स्टिट्यूशन में फंक्शन लिखे यूपीएससी के या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के उससे ज्यादा फंक्शन अगर आपने यूपीएससी को देना है तो पार्लियामेंट लॉ के थ्रू बताएगा किसी स्टेट पीएससी को ज्यादा फंक्शन देने तो उस पर्टिकुलर स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली बताएगी क्लियर आर्टिकल 322 बताता है कि जितना भी खर्चा होगा यूपीएससी का या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का इट शैल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर यूपीएससी एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट फॉर स्टेट पीएससी चार्ज वर्ड इंपॉर्टेंट है शैल बी चार्ज मतलब इट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू वोट इन पार्लियामेंट Alright, and last is Article 323 Reports of the Public Service Commission. Clause 1 Kya kahega? It shall be the duty of the Union Commission to present annually to the President a report as to the work done by the Commission, and on receipt of such report, the President shall cause a copy thereof together with a memorandum explaining as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted. रीजन फॉर सच नॉन एक्सेप्टेंस टू बी लेट बिफोर house हाउस ऑफ parliament. Clause वन ये कहता है कि यूपीएससी हर साल प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट देगी कि उसने क्या क्या काम करा है और उसका अपनी रिकमेंडेशन देगी प्रेसिडेंट को उस रिपोर्ट की एक कॉपी पार्लियामेंट में टेबल करनी पड़ेगी और प्रेसिडेंट को दिखाना बताना पड़ेगा कि उसने यूपीएससी की कौन सी कौन सी रिकमेंडेशन मानी है और अगर प्रेसिडेंट ने कोई रिकमेंडेशन नहीं मानी यूपीएससी की तो प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैंने ये रिकमेंडेशन क्यों नहीं मानी है राइट right? तो ये तो यूनियन के लिए है क्लॉज टू सिमिलर सिचुएशन बताता है स्टेट कमीशन के लिए कि हर स्टेट का जो स्टेट कमीशन होगा वो गवर्नर को रिपोर्ट देगा या अगर जॉइंट कमीशन है दो तीन स्टेट्स का तो वो जॉइंट कमीशन उन रिस्पेक्टिव जॉइंट कमीशन उन स्टेट्स के गवर्नर्स को रिपोर्ट देंगे और गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेचर में वो रिपोर्ट टेबल करनी है और रीजन भी बताने हैं जो रिकमेंडेशन उन्होंने नहीं मानी है और राइट right? तो आर्टिकल थ्री थ्री ये है सो so या yeah, इसी के साथ हमारा खत्म होता है पार्ट टू ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन आई होप यू अंडरस्टूड एंटायर थिंग। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक सर्विस कमीशन देन प्लीज राइट दोज डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आई विल बी ईगली वेटिंग फॉर दो राइट सो दट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइड आई एल सी यू विद अनादर वीडियो ऑन अनादर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थैंक यू